ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो हम लोगों की असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की क्लासेस चल रही है और ये हम लोगों की सेकंड नंबर की क्लास है। मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं जो ऑल ट्रेड में टॉपिक क्वेश्चन है, बेसिक फिटिंग से रिलेटेड हो चाहे वह सेफ्टी से रिलेटेड हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आप लोगों के असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के एग्जाम में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो क्वालिटी के इश्यू के बारे में क्लियर करिए, देन हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अनूप सर गुड इवनिंग। ओके विनोद कुमार, चलिए वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी के इशू के बारे में एक बार क्लियर कर दीजिए और सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, है ना, सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। छोटे सिंह एमपीपीजीसीएल का रिजल्ट का क्या हुआ? अभी एमपीपीजीसीएल का तो ऑलरेडी जो है जो वैकेंसी थी उसको कैंसिल कर दिया है उन्होंने, है ना। बहुत बढ़िया, अभी सारा ओके है। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, हेलो, ओके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लाइट कुछ ज्यादा है आई थिंक, नहीं जूम होने पर वो ओके हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके लव यू विनीत कुमार, लव यू सभी स्टूडेंट्स को भाई, मैंने भी बहुत मिस किया, काफी टाइम बाद लाइव है। चलिए थोड़ा सा कनेक्शन इशू दिखा रहा है, ओके मैं चेक कर लेता हूं। ओके तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, 17 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे जो बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, ऑल ट्रेड ने यहां पर फॉर्म फिल किया है। तो यहां पर 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, 16 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 17 नंबर के क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है थोड़ा सा गाइस समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां पर बोला गया विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था कल की क्लास में, मैंने आप लोगों को फायर के क्लास के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर मैंने क्लियर किया था कि फ्यूल के टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने फायर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर एवं क्लास डी फायर। तो यहां पर हम लोगों का ईंधन क्या बता रहा है, यहां पर ईंधन बता रहा है कि सर ज्वलनशील और बहने वाले तरल की जो आग होती है वह किस कैटेगरी में रखी जाती है, यानी कि सॉरी यहां पर कैटेगरी नहीं पूछा गया है, यहां पर पूछा जा रहा है कि भैया यदि हमारा ये फ्यूल है और इससे आग जली हुई है तो इसको हम लोगों को कंट्रोल करना है तो हम किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। क्या हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, हेलन एक्सटिंग्विशर, ड्रा पाउडर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या राइट आंसर होगा फटाफट से बताइएगा, लव यू। चलिए बहुत बढ़िया भाई, लेट हो गया अंकित सिंह, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। क्या राइट आंसर आप लोगों का 17 का निकल के आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज यहां पे समझ में आ रही है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यह चीज क्लियर हो रही है कि सर यहां पे बोला गया फ्लेमेबल, क्या बोला जा रहा है, लिक्विड फायर, यानी कि जो हमारे तरल पदार्थ हैं पेट्रोल डीजल इनमें जो आग लगती है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, क्लास बी फायर में रखते हैं, और क्लास बी फायर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लास बी फायर को कंट्रोल करने के लिए गाइस हम लोग किसका यूज करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है उनका यहां पर करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, राहुल कुशवाहा, कपिल शर्मा, सिपू इंटरटेनमेंट, मनोज बघेल, बहुत बढ़िया भाई, काफी सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आप लोगों का यहां से राइट आंसर निकल के आ जाता है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट ए डिनोट इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जो है उसमें हम लोग एबीसी से क्या तात्पर्य होता है। अब एबीसी जो है वह उसमें ए हमारा क्या डिनोट करता है, ए लेटर जो है वह हमारा क्या डिनोट करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पे समझिएगा ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन गाइस क्या दे रहा है, यदि हम लोग फर्स्ट एड में ए बी सी की बात करते हैं तो ए ऑप्शन में दे रहा है एयर में, अटेंशन या अरेस्टिंग या फिर
यहां पे आप लोग देख सकते हो क्या राइट आंसर यहां से निकल के आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का फर्स्ट एड में एबीसी से क्या तात्पर्य है। क्या होगा भाई, मनोज यहां पर एयरवे दे रहे हैं, छोटे सिंह का ए आंसर, नितिन गुप्ता यहां पर एयरवे की ओर जा रहे हैं। बहुत बड़े। अब यहां पे एक चीज आप लोगों को समझिएगा, यदि एबीसी की बात करता है तो जरूरी नहीं है कि वो ए की ही बात करेगा कि ए हमारा क्या डिनोट करता है। तो ए बी सी ये तीनों हमारे क्या डिनोट करते हैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यदि हम लोग ए की बात करते हैं तो ए हम लोगों का क्या डिनोट करता है, ए डिनोट करता है एयरवे को। एयरवे इन द सेंस मान के चलिए कोई कर्मचारी है, कोई पेशेंट है जो किसी भी बेहोशी अवस्था में है या फिर जिसको चोट लगी हुई है, तो फर्स्ट एड में हम एबीसी से क्या तात्पर्य है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं एयरवे, यानी कि जहां से वो सांस ले रहा है वो एयरवे प्रॉपर तरीके से फ्लो कर रहा है या नहीं। अब यदि हम लोग बी की बात करते हैं तो बी से क्या तात्पर्य है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी कि श्वसन नली प्रॉपर वर्क है या नहीं। या सी से हमारा क्या तात्पर्य होता है, सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट एड में एबीसी होता है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ए हमारा क्या डिनोट कर रहा है, बी क्या डिनोट कर रहा है एंड सी क्या डिनोट कर रहा है, राइट। तो ये चीज समझ पा रहे हो। यहां पे क्या होगा भी, राहुल कुशवा सेल एंड सीसीआई एग्जाम क्वेश्चन। चलिए तो यहां पर क्या राइट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा, ए पूछा गया है तो ए में हमारा क्या होगा, एयरवे इज द राइट आंसर। राजेंद्र गुप्ता सर ये वाला क्वेश्चन अभी सेल के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअल में। देखो यहां पे टेक्निकल जो भी एग्जाम है कोई नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड आते हैं, बस थोड़ा सा उनको कंफ्यूज कर देता है, थोड़ा सा घुमा देता है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यहां पर यही क्वेश्चन पूछेगा कि ए क्या डिनोट कर रहा है, वह बी के बारे में पूछ सकता है, सी के बारे में पूछ सकता है, फर्स्ट एड के बारे में पूछ सकता है, सेफ्टी साइन के बारे में पूछ सकता है। तो टॉपिक तो हमारा वही है। जैसे कि यदि हम असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला गया है कि भैया आप लोगों के सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। अब आप लोगों को ये चीजें क्लियर है कि सेफ्टी में सर कहां कहां से क्वेश्चन आने हैं, फायर से रिलेटेड आ जाएगा, सेफ्टी साइंस से रिलेटेड आ जाएगा, सेफ्टी से रिलेटेड नॉर्मल लॉजिकली क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर वह फर्स्ट एड की ओर जाएगा, तो ये सब चीजें पूछ सकता है, सॉफ्ट स्किल की ओर जा सकता है। तो यही कुछ टॉपिक हैं। यदि हम इन टॉपिक को डिटेल में टच कर लेते हैं तो कहां से हम लोगों का क्वेश्चन मिस होगा, पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि भाई हम लोगों का क्वेश्चन मिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोला जा रहा है गाइस, 19 नंबर के क्वेश्चन में यहां पे बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्युअर। यहां पे क्या बोल रहा है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या राइट आंसर होगा, क्या वो लैंड फिलिंग होता है, रिसाइकलिंग होता है, कंपोस्टिंग होता है या बर्निंग वेस्ट मटेरियल होता है। क्या राइट आंसर गाइस यहां से निकल के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राइट आंसर यहां से निकल के आएगा फटाफट से बताइए। नाइनटीन नंबर का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, नाइनटीन नंबर का गाइस राइट आंसर आप लोगों का क्या निकल के आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या राइट आंसर आप लोगों का निकल क्या रहा है, 19 नंबर का मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहां पर जा रहे हैं, सी ऑप्शन की ओर, डी ऑप्शन की ओर। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब हमारे जो बेस्ट मटेरियल होते हैं वर्क प्लेस पर, जो बेकार पदार्थ होते हैं उसको निपटारा हम लोग किस प्रकार करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, उसके निपटारे की बात कर रहा है कि जो हमारे बेकार पदार्थ हैं उनको हम लोगों को खत्म करना होता है तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं।
अलग अलग तरीके होते हैं। तो किसके बारे में बात करें, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो क्या क्या हम लोग मेथड का यूज करते हैं किसी मटेरियल को, खराब मटेरियल को खत्म करने के लिए। यदि हमारा कॉटन वेस्ट है, चिप्स है, तो बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं खराब मटेरियल, उनको हम ऐसे ही पड़ा नहीं रख सकते हैं, उनको वेस्ट करना पड़ता है, बेकार करना पड़ता है, निपटना पड़ता है, डिस्पोजल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग लैंडफिल का यूज करते हैं, रिसाइकलिंग का यूज करते हैं, कंपोस्टिंग का यूज करते हैं, बर्निंग वेस्ट मटेरियल यानी कि जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, या तो उसमें आग लगा देते हैं। तो ये सभी मेथड का यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ते हैं, यानी कि जो हमारा खराब मटेरियल है उसको जैविक कंपाउंड में तोड़ते हैं, देन जैविक कंपाउंड का हम लोग खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार वो बात कर रहा है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए यदि हम लोग इसके मेथड की बात करें, रिसाइकलिंग में क्या करते हैं, रिसाइकलिंग में हम लोग सामग्री को इस प्रकार निपटाते हैं, ये काफी इजी तरीका है, उसमें हमारा जो मटेरियल है वह रीयूज हो सकता है। लेकिन यदि हम लोग किसकी बात करें, कंपोस्टिंग की बात करें, तो कंपोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंपोस्टिंग में जैविक खाद के रूप में उसको बदल लेते हैं, राइट। तो यहां पे कंपोस्टिंग ऑप्शन में हम लोगों को मिल रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यदि हम लोग लैंडफिलिंग की बात करें, तो लैंडफिलिंग क्या है, मान के चलिए कोई खराब मटेरियल है, उसमें हम लोग खाली जगह देखते हैं, वहां पर एक गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में हम लोग सारे मटेरियल को जो हमारा खराब मटेरियल है उसमें डालकर लैंडफिलिंग कर देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को स्पेस की जरूरत पड़ती है। या फिर हमारे पास में लास्ट तरीका होता है, वो क्या होता है, बर्निंग वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो हमारे पास में खराब पदार्थ है उसमें डायरेक्टली आग लगा दी जाए। तो सबसे पहले हम किसकी ओर जाते हैं, सबसे पहले गाइस जाते हैं हम रिसाइकलिंग की ओर, या फिर हम लोग जाएंगे कंपोस्टिंग की ओर, क्योंकि कंपोस्टिंग में हमारा जो मटेरियल है वह जैविक कंपाउंड के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है और उसका हम लोग खाद के रूप में भी उपयोग कर ले रहे हैं। देन हम लोग लैंडफिलिंग की ओर जाते हैं और सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं कि भैया जला दो, कोई उपाय ही नहीं है हम लोगों को खत्म करने का, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। समझ रहे हो ना ये चीजों को। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आप लोगों का यहां से राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो 20 नंबर के क्वेश्चन को समझिएगा, यहां पर भी कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या दे रहा है गाइस, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, यानी कि प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होगा। तो मैंने कल आप लोगों को नोट कराया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भैया अलग अलग मटेरियल हैं, उसको हम लोग डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन क्या होता है, अलग अलग, प्लास्टिक के लिए अलग, कागज के लिए अलग, मेटल के लिए अलग, खाद्य सामग्री के लिए अलग। तो इनको हम लोग अलग अलग कैसे करते हैं, अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं जिसको कलर कोडिंग करी जाती है। तो प्लास्टिक के लिए हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल है उसको हम किस बिन में डालेंगे, किस कलर के डस्टबिन में डालेंगे, क्या रेड में डालेंगे, ब्लू में डालेंगे, ग्रीन में डालेंगे, या फिर येलो में डालेंगे। प्लास्टिक के लिए किसका यूज करते हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया, तमन्ना विश्वकर्मा 20 का डी दे रहे हैं, सरोज बोस यहां पे येलो की ओर जा रहे हैं, विजय कुमार बहेरा डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, ब्रजबीर यहां पे डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करी थी, कागज के लिए हम लोगों ने देखा था ब्लू, प्लास्टिक के लिए येलो, मेटल के लिए रेड, कांच के लिए हरा, ग्रीन, खाद्य सामग्री के लिए ब्लैक, एवं अन्य सभी के लिए हम लोग स्काई ब्लू का यूज करते हैं। तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर गाइस किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक के लिए मैंने क्या बताया था कि येलो बिन का हम लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक के लिए किसका यूज करते हैं, येलो बिन का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्या होगा, डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर यहां से निकल के आएगा, राइट। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां पे 21 नंबर के क्वेश्चन, अब देखिए जो भी हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारे बेसिक फिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इन क्वेश्चन को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे बेसिक फिटिंग से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे, यानी कि फाइल से रिलेटेड, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से रिलेटेड। अब हम इसमें एक्स्ट्रा कहां पर जाएंगे, हम लोगों को क्या क्या चीजें कवर करनी है वो चीजों को समझिएगा। बेसिक फिटिंग हम सारा कवर करेंगे, लगभग इसके 100+ क्वेश्चन होंगे हमारे पास में,
उसके बाद में हम कहां पर जाएंगे, मेटल की ओर जाएंगे एंड हीट ट्रीटमेंट की ओर जाएंगे। तो टेक्निकल टॉपिक जो है यही टेक्निकल टॉपिक है जहां से आप लोगों के मल्टीपल चॉइसिस क्वेश्चन पूछे जाने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में। यदि आप लोग किसी पर्टिकुलर मशीन की ओर जा रहे हो, ऑपरेशन की ओर जा रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में नहीं पूछे जाने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, राइट। तो ये चीजों को समझिएगा। तो हम बेसिक फिटिंग की ओर चलते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है यहां पर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है कटिंग टूल से रिलेटेड, और आप लोगों को एक फिगर दिखाया गया है फाइल का, और यहां पर एक्स से रिप्रेजेंट किया है। इस पार्ट के नेम को आप लोगों को बताना है, क्या ये पार्ट का नेम हील है, टैंग है, फेरूल है या फाइल लेंथ है, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा गाइस यहां पर राइट आंसर। बहुत बढ़िया, राहुल कुशवाहा हील आंसर दे रहे हैं, अभिनव इसरो 21 का हील दे रहे हैं, एग्जैक्टली। तो काफी सिंपल है, आप लोगों को फाइल के पार्ट के बारे में पता है। तो यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हील को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हील को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा फेरूल होता है, ये हैंडल होता है, ये फेस होता है, ये एज होता है। तो इसके पार्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, काफी कॉमन क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है 22 नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए दे रहा है टू चेक राइट एंगल, टू चेक एक्यूट एंगल, टू चेक ऑब्ट्यूस एंगल या फिर टू चेक स्ट्रेट एंगल, क्या राइट आंसर होगा भाई 22 नंबर का, क्या राइट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा फटाफट से बताइए 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का। और सभी लोग थम्सअप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, लाइक एंड वॉच दोनों सेम कर दीजिए गाइस। छोटे सिंह 22 का ए दे रहे हैं, अभिनव इसरो 22 का ए ऑप्शन, जिगजैग वीडियो ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, अंकित तोमर ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। यहां पे समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन बात की जा रही है ट्राई स्क्वायर के बारे में, क्लियर है ना। ट्राई स्क्वायर के हमारे दो पार्ट होते हैं स्टॉक एंड ब्लेड, और दोनों पार्ट हमारे एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में जुड़े होते हैं, क्लियर है। तो क्या हमारा ट्राई स्क्वायर किसी एंगल को मेजर करता है, जी नहीं सर, मेजर नहीं कर सकता है, ये हमारे 90 डिग्री के एंगल को चेक कर सकता है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को यह चीज क्लियर होना चाहिए कि भैया ये हमारा मेजरिंग टूल नहीं है, ये हमारा चेकिंग टूल है, चेक कर सकता है, क्योंकि यहां पर ब्लेड और स्टॉक एडजस्टेबल नहीं है, ब्लेड और स्टॉक एक दूसरे से 90 डिग्री पर फिक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर के यूज क्या हो सकता है, हम 90 डिग्री के एंगल को चेक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एज से 90 डिग्री में रेखा खींच सकते हैं, यानी कि मार्किंग कर सकते हैं 90 डिग्री में, बेंच बाइस पर किसी वर्कपीस को 90 डिग्री के एंगल में सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको स्ट्रेट बांधने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूज है। अब यहां से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें दो ऑप्शन होते हैं आप लोगों के पास में, दो ऑप्शन कौन से होते हैं, एक ऑप्शन में वो क्लियरली बोलता है मेजर राइट एंगल और दूसरे ऑप्शन में बोलता है टू चेक राइट एंगल। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, वहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, टू चेक राइट आंसर, नो ना कि मेजर, क्योंकि ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब एक और चीज का मिथ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि भैया यहां पर क्या होता है, आप लोगों का चेक की जगह कई बार मिस्टेक से वह मेजर दे देता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिएगा कि सभी में यदि भैया वो चेक की जगह मेजर दे रहा है तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हमको जाना तो राइट एंगल की तरफ ही पड़ेगा। जैसे कि अभी रिसेंट एक एग्जाम हुआ था, वहां पर ये चीज हुआ और बच्चे बाद में जो है कॉमेंट करके मैसेज करके बोल रहे हैं सर क्वेश्चन ही गलत है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिक समझा करिए। यदि मान के चलिए यहां पर वो सारे ऑप्शन में चेक को मेजर बोल देता है तो उसका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ट्राई स्क्वायर के यूज के बारे में ही पूछना चाह रहा है। यदि वो दो ऑप्शन दे रहा है, एक में चेक दे रहा है, मेजर दे रहा है, तो वहां पे आप लोगों को चेक की ओर डेफिनेटली जाना है। यदि वो नॉन ऑफ दिस दे रहा है यहां पे, तो नॉन ऑफ दिस की ओर जाना है, यदि सारे में मेजर दे रहा है उस कंडीशन में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी देख लीजिए करिए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाओ कि नहीं भैया सर ने बताया है मेजर तो हो ही नहीं सकता है, अब सारे ही ऑप्शन मेजर है तो क्वेश्चन में हम लोगों को आंसर ही टिक नहीं करके आना है। तो ये चीज समझ रहे हो ना, ये चीजें थोड़ा सा समझा करो। देखो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, तो उसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थोड़ा सा समझना होता है।
तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का, यहां पे राइट आंसर क्या होगा, टू चेक राइट एंगल, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल को चेक कर सकता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, यानी कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जो हमारा जहरीला होता है, कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है, कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है। भैया टैंग उसके हैंडल के अंदर फिट होता है, वहां पर हील को रिप्रेजेंट किया था सनी प्रजापति, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो पहले, देन उसके बाद में कमेंट करो। तो यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर, 23 नंबर का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जो हमारा जहरीला होता है, फटाफट से राइट आंसर दीजिए। 23 नंबर का राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है, शशि बाला यहां पे सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, सरोज यहां पे सी ऑप्शन, राहुल कुशवा सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई, मनोज सी ऑप्शन, एग्जैक्टली राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है वह जहरीला होता है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, जहरीला होता है आप लोगों का। क्या कोई स्टूडेंट्स बता पाएगा कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जो डिफरेंट कलर में पाया जाता है, कौन सा मार्किंग मीडिया है जो डिफरेंट कलर में पाया जाता है, यानी कि उसके अलग अलग कलर हम लोगों को मिल जाते हैं, ग्रीन कलर में, रेड कलर में, अकॉर्डिंग टू किस मटेरियल पर हम लोग मार्किंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट कलर अवेलेबल है मार्केट में, तो वो कौन सा मार्किंग मीडिया है जो डिफरेंट कलर में पाया जाता है, फटाफट से राइट आंसर बताइएगा। क्या होगा भैया, क्या वो हमारा व्हाइट वॉश होगा, प्रशियन ब्लू होगा, कॉपर सल्फेट होगा, या फिर सेल्यूलर लैक्वर होगा, क्या राइट आंसर निकल के आएगा। बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम आप लोगों का जनवरी 2022 में हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई अभिनव इसरो, सेल्यूलर लैक्वर इज द राइट आंसर। क्या होगा, सेल्यूलर लैक्वर जो होता है वो हमारा डिफरेंट कलर में पाया जाता है। यहां से मार्किंग मीडिया से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, रफ एवं कास्टिंग वाली सरफेस पर हम लोग किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, तो रफ एवं कास्टिंग वाली सरफेस पर हम यूज करते हैं व्हाइट वॉश का। रफ सरफेस एवं कास्टिंग वाली सरफेस पर हम किसका यूज करते हैं, व्हाइट वॉश का यूज करते हैं। प्रशियन ब्लू जो होता है इसका प्रयोग हम फिनिश सरफेस पर करते हैं, लेकिन यहां पर डिसएडवांटेज क्या होता है, यहां पर डिसएडवांटेज यह होता है यह मार्किंग मीडिया अन्य मार्किंग मीडिया की तुलना में ड्राई होने में काफी ज्यादा समय लेता है, यानी कि सूखने में काफी ज्यादा समय लेता है प्रशियन ब्लू। तो प्रशियन ब्लू से बेटर क्या होता है, प्रशियन ब्लू से बेटर होता है सेल्यूलोस लैक्वर, हम लोगों को डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है और साथ साथ में क्या होता है यह काफी तेजी से सूखता है, काफी तेजी से सूखता है। अब यहां पर प्रशियन ब्लू में क्या है, इसको हम फिनिश सरफेस पर तो यूज करते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि भैया ये इसको सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो ये टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इसको भी हम लोग मास प्रोडक्शन में जनरली यूज नहीं करते हैं, हम जाते हैं सेल्यूलर लैक्वर की ओर। कॉपर सल्फेट का क्या है, कॉपर सल्फेट भी हम फिनिश सरफेस पर यूज करते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, जो मार्किंग करने वाले औजार हैं उनके पॉइंट पर यह चिपक जाता है, और सेकेंड डिसएडवांटेज क्या होता है, ये जहरीला होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए आपस में कंपेयर करके कि भाई कौन सा मार्किंग मीडिया कहां पर यूज होता है, कैसा होता है, क्या है, वो सारी चीजें आप लोग एक बार क्लियर रहना चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर, यानी कि यूनिवर्सल सरफेस गेज जो होता है उसका कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, उसका कौन सा पार्ट है जो हमारे स्क्राइबर को होल्ड करता है, क्या राइट आंसर होगा गाइस। बिल्कुल राहुल कुशवा, एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब यही है कि सेल्यूलर लैक्वर जो है वह सबसे बेस्ट मार्किंग मीडिया के अंतर्गत आता है, बिकॉज वहां पर हमारा क्या है, यह काफी साफ चिन्ह भी प्रदान करता है, सूखता भी बहुत जल्दी है, डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल होता है, तो सारी चीजें
हमारे फेवर में होती है, बाकी सभी के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहां पे क्या राइट आंसर निकल क्या रहा है आप लोगों को, आप देखो यहां पे फिटर अड्डा 24 गाइड पिन दे रहे हैं। क्या भाई आपने क्वेश्चन को रट लिया है क्या? गाइड पिन अलग चीज है, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोग देखते हो बस, यूनिवर्सल सरफेस गेज। और भैया इसके पार्ट के बारे में पूछ रहा है वो तो गाइड पिन ही होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार आया है। गाइड पिन कहां से हो जाएगा? यहां पे क्या बोल रहा है कि कौन सा पार्ट है जो हमारे स्क्राइबर को होल्ड करता है। तो स्क्राइबर को कौन पकड़ता है? स्नग जो होता है वह स्क्राइबर को पकड़ता है। गाइड पिन का काम क्या होता है? किसी पैरेलल सरफेस, किसी एज के पैरेलल रेखा खींचने के लिए जो हेल्प करता है यूनिवर्सल सरफेस गेज का पार्ट, वो होता है हमारा गाइड पिन, वो होता है गाइड पिन। लेकिन यहां पर तो क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि स्क्राइबर को होल्ड करना है। तो हम स्क्राइबर को होल्ड किसके माध्यम से करते हैं? स्नग के माध्यम से करते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर यहां पे? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को एक फिगर दिखाया गया है और इस वाइस का नेम बताना है, इस वाइस का क्या नाम है? क्या ये पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है? तो क्या है भैया यहां पे विंग नट आप लोग लगा देख पा रहे होगे, विंग नट के माध्यम से क्लियरली आप बता पा रहे हो कि सर ये हैंड वाइस है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन को समझो देन आंसर दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकॉज लूज बिकम्स, क्या बोल रहा है? जो हमारा बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ, यानी कि कुछ स्ट्रोक के बाद में नया हेक्सा ब्लेड जो है वह क्या हो जाता है, फ्रेम में ढीला हो जाता है। और इसका रीजन क्या होता है? क्या स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, क्या ब्लेड हमारा ब्लेड में खिंचाव आ जाने के कारण ऐसा होता है, या फिर ब्लेड की गलत पिच यानी कि रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड की वजह से ऐसा होता है, या सा सेट का गलत चयन यानी कि इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सा सेट, या फिर यहां पर बोला है कि नट के थ्रेड का खिस जाना, क्या ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? क्या बोल रहा है? कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड क्या होता है, ढीला हो जाता है। तो उस ढीले होने का क्या रीजन है? क्वेश्चन को समझिएगा, क्या निकल क्या रहा है क्वेश्चन, क्या राइट आंसर होगा 26 नंबर का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर यहां पे? क्या स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खिंच जाना हमारा राइट आंसर है, या फिर डी ऑप्शन में दे रहा है कि नट थ्रेड बीइंग वर्न आउट, जो हमारी विंग नट की, सॉरी विंग नट की जो थ्रेड है वो क्या हो गई है, वर्न आउट हो गई है, घिस गई है, इसकी वजह से ढीली हो गई है, या फिर स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खिंच जाना, क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही बढ़िया, एग्जैक्टली राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्लेड का खिंच जाना। अब यहां पे बहुत सारा कंफ्यूज क्रिएट होगा आप लोगों का कि सर ब्लेड कैसे खिंच जा रही है, क्या रीजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। नट की थ्रेड होना तो समझ आ रहा है कि नट की यदि थ्रेड खराब हो जाएगी तो हमारी ब्लेड ढीली पड़ जाएगी, खिंचाव का क्या मतलब है, कैसे खिंचाव आ रहा है? तो यहां पे एक चीज को समझिएगा, यदि इस क्वेश्चन में आप मिस्टेक करते हो थोड़ा भी तो आप लोगों का आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा, समझ रहे हो? राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन ही राइट होगा, है ना? जो भी डी बता रहे हैं उनका एग्जैक्टली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कई बार रिपीट हो चुका है, 1 से 3 क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, OFB में रिपीट हुआ है, हर जगह आंसर की में आप लोगों को क्या मिलेगा, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, क्या मिलेगा, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। ये चीज समझ पा रहे हो? राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पिच का गलत होना या फिर सा सेट का गलत सिलेक्शन करना ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो हमारे मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करते हैं, क्या करते हैं, मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करते हैं, वो आगे देखेंगे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन समझिएगा और बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, उस क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करें, कि थोड़ा सा उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है, बाकी वहां पे स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेड इज द राइट आंसर है, वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब वो कैसे स्ट्रेच की बात कर रहा है भैया, इतना तो मटेरियल को नहीं खींचना चाहिए, एग्जैक्टली आपका सोचना भी सही है, मेरा सोचना भी सही है प्रैक्टिकली, बट कुछ थ्योरेटिकली हम लोगों को देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। यहां पे समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना भैया उसके बाद में आंसर देना, पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, कोशिश करना राइट आंसर आप लोगों का निकल के आए। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं, समझ पा रहे हो? व्हाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑक्योर इजीली व्हाइल साइंग ऑफ थीन वॉल्ड वर्कपीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। समझना, पूरे क्वेश्चन को समझना, बहुत गहरी बात छुपी है और इस क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। अब बोल क्या रहा है यहां पे, बोल क्या रहा है ए ऑप्शन में, हैंड फोर्स इज टू बिग, क्या हमारा हाथ का बल जो है वो बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, यानी कि जो हमारा कटिंग सेक्शन है वो बहुत ज्यादा थीन है, शॉर्ट है, क्या यही रीजन है हमारे कट के स्टार्ट में ही हमारे टीथ टूट जा रहे हैं। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि मोटे ब्लेड का प्रयोग किया गया है, यानी कि कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन में बोल रहा है कि हैंड फोर्स एक्ट ओनली ओपन फ्यू टीथ, यानी कि जो हाथ का बल है वह आगे के कुछ दांतों पर लगा दिया है, तो क्या रीजन होगा देखते हैं भाई। यहां पे छोटे सिंह बी ऑप्शन दे रहे हैं, नीरज, अभिनव इसरो डी आंसर की ओर जा रहे हैं, हिमांशु कुमार डी आंसर की ओर जा रहे हैं, दीपक कुमार डी आंसर की ओर जा रहे हैं, सरोज भेज डी आंसर की ओर जा रहे हैं, तो कभी सभी लोग, मैक्सिमम लोग डी आंसर की ओर जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग डी आंसर की ओर जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग डी आंसर की ओर जा रहे हैं। और डी आंसर क्या दे रहा है, हैंड फोर्स एक्ट ओनली ओपन फ्यू टीथ। क्या कोई स्टूडेंट्स है जो इस आंसर को गलत साबित कर रहा है, क्या कोई स्टूडेंट्स है जो बता सकता है कि भैया डी आंसर सर गलत है? छोटे सिंह यहां पे बी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं कि कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, तो क्या ये रीजन है, क्या ये हमारा रीजन है बी ऑप्शन, क्या हम लोग जिसका कटिंग सेक्शन एरिया कम होता है उसकी हेक्साइंग ही नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसा कभी होता है कि जिसका कटिंग सेक्शन बहुत कम है, हमारे पतले पाइप हैं या थीन वॉल्ड वर्कपीस है उनकी हम एक्साइंग ही नहीं कर सकते, उसमें टीथ ही टूट जाएगा, तो क्या ये रीजन आपको लग रहा है, बताइए क्या होगा भाई राइट आंसर। विद्यानाथ यहां पे सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, टेक है, टेक टू स्टडी सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, एग्जैक्टली समझिएगा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड, राइट आंसर क्या होगा, कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग किया गया है इसलिए हमारे स्टार्टिंग में टीथ टूट जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने डी आंसर दिया है उनका 101% रॉन्ग है, वो क्लियरली अपने जो बिलीफ बनाए हुए हैं उसको तोड़ लो, जो बिलीफ बनाए हुए हैं कि डी आंसर है उसको खत्म कर लेना भैया इस बिलीफ को। अब क्वेश्चन को समझिएगा कि मैं आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि डी ऑप्शन गलत है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि डी ऑप्शन गलत है, समझना आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अब मैं ओनली इस क्वेश्चन को नहीं समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन से आप लोगों के बहुत सारे डाउट जो हैं वह क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या चीज क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को हेक्सा ब्लेड की पिच के बारे में क्लियर है कि हमने उसको कोर्स पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड के रूप में डिवाइड किया है, उसके बाद में हमने टीथ सेटिंग में स्टेगर्ड सेट एवं वेब सेट में डिवाइड किया है, राइट। स्टेगर्ड सेट के अंतर्गत हमारे कोर्स पिच ब्लेड आती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड के टीथ को राइट लेफ्ट मोड़कर ब्लेड को क्लियरेंस देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हमारी ब्लेड है ब्लेड की थिकनेस से ज्यादा ग्रूव बनाए, जिससे कि ब्लेड को क्लियरेंस मिले, ब्लेड हमारे ग्रूव में फंसे नहीं, ये चीजें क्लियर है। वेब सेट में हम लोग क्या करते हैं, वेब सेट में टीथ को लहर के रूप में मोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है ब्लेड को क्लियरेंस मिल जाता है। कैसे क्लियरेंस मिल जाता है सर, यहां पे जो ग्रूव बनेगा वो हमारा इतना चौड़ा बनेगा जबकि ब्लेड की मोटाई हमारी इतनी चौड़ी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये रीजन है हमारा ब्लेड की सेटिंग करने का। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर क्यों नहीं आ रहा हूं, रीजन है, समझिएगा, समझिएगा क्या होता है, जब हम लोग ब्लेड का सिलेक्शन करते हैं वह दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्या फैक्टर हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सर, मान के चलिए हम एक सॉलिड मटेरियल की हेक्साइंग कर रहे हैं, तो सॉलिड मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वह क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ज्यादा होगा।
यदि मैं किसी पाइप या थीन वॉल्ड वर्कपीस की हेक्साइन कर रहा हूं तो उसका हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। अब समझिएगा, अब मुझे एक चीज बताइए, जहां पर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा होता है वहां पर हम लोग किस पिच ब्लेड का यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं कोर्स पिच ब्लेड का। जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, फाइन पिच ब्लेड का यूज करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है हमको ऐसा करना पड़ रहा है? रीजन यह है कि जब हम हेक्साइन करते हैं तो वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जब हम लोग हेक्साइन करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर 3 से 4 टीथ कांटेक्ट में होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम लोग हेक्साइन करते हैं तो 3 से 4 टीथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर टिके होना चाहिए। क्लियर है? नहीं टिके होंगे तो क्या होगा, ब्लेड हमारी फंस जाएगी और टूट जाएगी। अब बात करते हैं यहां पर क्या बोला है कि थीन वॉल्ड वर्कपीस है, पतली दीवार वाला वर्कपीस है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होगा। थीन वॉल्ड वर्कपीस है, पतली दीवार है। अब मान के चलिए यहां पर मैं कोर्स पिच ब्लेड का यूज करता हूं, मान के चलिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो विड्थ है वो हमारी है 2 मिलीमीटर, वो हमारी कितनी है 2 मिलीमीटर की दीवार है। अब यहां पर यदि मैं 2.5 मिलीमीटर पिच ब्लेड का यूज करूंगा तो क्या होगा भैया, यहां पर हमारा टीथ तो वैसे ही फंस जाएगा ना। ये हमारी ब्लेड है, इस ब्लेड में हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये जो दीवार है वो कटिंग नहीं करेगी, क्योंकि 2 से 3 टीथ हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर टिके नहीं है, ये इसके अंदर चली जाएगी और स्टार्टिंग के टीथ क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। स्टार्टिंग के टीथ क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये चीज समझ पा रहे हो, स्टार्टिंग के जो टीथ है वो क्या होगा, टूट जाएंगे। यहां पर वही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं, पहले कट में ही स्टार्टिंग में ही टीथ टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि भैया हमने कोर्स पिच ब्लेड का यूज कर लिया है और स्पेशली आपको गाइड किया जा रहा है कि हम जो वर्कपीस को यूज कर रहे हैं वो थीन वॉल्ड वर्कपीस है, और थीन वॉल्ड वर्कपीस के लिए हम किस प्रकार की पिच का यूज करते हैं, फाइन या वेरी फाइन पिच ब्लेड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर 3 से 4 टीथ कॉन्टेक्ट में रहें, 3 से 4 टीथ कॉन्टेक्ट में रहें। तो यह चीज समझ में आ रही है, यह चीज समझ में आ रही है ना। यहां पर मैं सी ऑप्शन राइट क्यों बताया, क्या किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है फटाफट से एक बार कॉमेंट करके मुझे क्लियर करिए। सबसे पहले कॉमेंट करके क्लियर करिए, क्या यह क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ, क्या यह क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ, फटाफट से राइट आंसर दो, फटाफट से राइट आंसर दो, थोड़ा सा क्लियर करो। ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब देखिए यहां पे यदि मैंने इतना एक्सप्लेन किया, देखो यदि मैंने यहां पर इतना एक्सप्लेन किया, इसको यदि मैं पूरा समराइज करूं तो क्या समरी यहां से निकल के आ रही है, यहां से समरी निकल के आ रही है कि हेक्सा ब्लेड के सिलेक्शन को लेके मैंने सारी चीजें आप लोगों को समझाई। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर और क्रॉस सेक्शनल के ऊपर। तो आप लोगों से 3 से 4 क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि सॉलिड ब्रास की कटिंग करनी है वहां पर आप लोग किस हेक्सा ब्लेड का यूज करेंगे। ऑप्शन होता है 1.8 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर। 1.8 मिलीमीटर आप लोगों का कोर्स पिच ब्लेड है या आप लोगों की फाइन पिच ब्लेड है, तो आप लोग राइट आंसर लगाते हो 1.8 मिलीमीटर। क्या कभी सोचा कि वो सॉलिड ब्रास क्यों बोल रहा है, सॉलिड ब्रास इसलिए बोल रहा है, सॉलिड से आप लोग समझ रहे हो कि भैया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा ज्यादा है। और एक और क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा पॉपुलर, यहां पर क्या बोलता है कि थीन वॉल्ड वर्कपीस या फिर हम लोगों को पाइप की हेक्साइन करनी है वहां पर किस ब्लेड का यूज करते हैं, राइट आंसर क्या निकल के आता है, 0.8 मिलीमीटर। क्या कभी सोचा कि 0.8 मिलीमीटर क्यों निकल के आ रहा है, क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कम है इसलिए हमको फाइन पिच ब्लेड की ओर जाना पड़ेगा। मटेरियल की बात और बता देते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग कोर्स पिच ब्लेड का यूज करते हैं, हार्ड मटेरियल के लिए फाइन पिच ब्लेड का यूज करते हैं। क्लियर है ना अभी, चलिए बहुत बढ़िया।
क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से ये डाउट क्लियर हो गया आई थिंक, मुझे लग रहा है जो असाइनमेंट है उसमें ये आंसर गलत दिया हुआ है, डी ऑप्शन। तो जो भी स्टूडेंट्स यहां पे डी ऑप्शन बता रहे थे उनका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या निकल के आ रहा है यहां से, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या निकल के आ रहा है यहां से, पूछा गया है विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर ज्वाइंट। क्या होगा राइट आंसर आप लोगों का? कि कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर आप लोगों का? क्या राइट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा यहां पे? 28 का राइट आंसर दीजिए। 28 नंबर का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि भैया क्या बोल रहा है? कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल की क्या करनी है हम लोगों को? स्क्वायरिंग करनी है, यानी कि उसको प्रॉपर कॉर्नर बनाना है। तो क्या फ्लैट चीजल का यूज करेंगे, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल? तो आप लोगों को चीजल के टाइप एवं उसके यूज के बारे में क्लियर होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्लैट चीजल का यूज हम लोग फ्लैट सरफेस का निर्माण करते हैं, क्रॉस कट चीजल का यूज कीवेज या ग्रुप बनाने के लिए यूज करते हैं, क्रॉस कट चीजल को हम लोग कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज कहां पर करेंगे? किसी कॉर्नर से मटेरियल को रिमूव करना है, या फिर जैसा कि क्वेश्चन में बोला है स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, यानी कि किसी कॉर्नर में मटेरियल को स्क्वायरिंग करना है। या फिर हाफ राउंड नोज चीजल का यूज कहां पर करते हैं? ऑयल ग्रुप बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट है हाफ राउंड नोज चीजल के बारे में, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? डायमंड पॉइंट चीजल इज द राइट आंसर। क्या होगा? डायमंड पॉइंट चीजल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहां पर एक हैमर का फिगर आप लोगों को दिखाया गया है और इसके पार्ट के बारे में पूछा गया है कि यह किस पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, एक्स जो है वह किस पार्ट को इंडिकेट कर रहा है? क्या यह फेस को इंडिकेट कर रहा है, पिन को इंडिकेट कर रहा है, चीक को इंडिकेट कर रहा है, या आई होल को इंडिकेट कर रहा है? किसको इंडिकेट कर रहा है गाइस? बहुत बढ़िया, 29 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा आप लोगों का? 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा गाइस? बहुत बढ़िया भाई, क्या राइट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा? चीक, गाल, जो इस पर क्या होता है, हैमर का वेट स्टाम्प्ड होता है, यानी कि हैमर का कितना वजन है वो किस पार्ट पर लिखा होता है, वह चीक पर लिखा होता है, और एक्स हमारे हैमर के चीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहां पे क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल गामा ऑन द कटिंग चीजल। यहां पे ये गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा बीटा गामा। तो गामा जो है ये इस एंगल की बात कर रहा है, ये कौन सा एंगल है चीजल में, ये कौन सा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइए क्या राइट आंसर आप लोगों का गाइस यहां से होगा। बहुत बढ़िया, 30 नंबर का क्या निकल के आ रहा है? 30 नंबर का ए ऑप्शन दे रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, रैक एंगल। क्या दे रहे हैं? रैक एंगल। क्या दे रहे हैं? रैक एंगल। एग्जैक्टली, रैक एंगल इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए गाइस, यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि वो आप लोगों को फिगर दिखाए देन उसके बाद में एंगल पूछे, वो आप लोगों से डायरेक्टली भी पूछ सकता है। जैसे कि यदि रैक एंगल की बात करें तो रैक एंगल किसके बीच का एंगल होता है? चीजल के टॉप फेस एवं वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर रेखा के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा रैक एंगल होता है। समझिएगा, ये हमारी क्या है, यदि मैं इस रेखा की बात करूं तो ये हमारी होती है वर्किंग सरफेस। ये रेड कलर की लाइन जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये हमारी वर्किंग सरफेस है, राइट। एंड यहां पे ये जो ब्लैक कलर की रेखा आप देख रहे हो ये हमारा चीजल का बॉटम फेस है,
एंड यदि हम लोग बात करें ये ब्लू कलर की लाइन जो देख रहे हो वो आप लोग क्या देख रहे हो, ये चीजल का टॉप सरफेस है। एंड यहां पे जो आप लोग ऊपर वाली कलर देख रहे हो ये आप लोगों का क्या है, वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर रेखा है। तो रैक एंगल क्या है, कटिंग एंगल क्या है, क्लियरेंस एंगल क्या है, समझिएगा। तो यहां पे जो आप लोगों की वर्किंग सरफेस है क्या है, वर्किंग सरफेस है, एंड ये आप लोगों का बॉटम सरफेस है। तो वर्किंग सरफेस एंड बॉटम सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा होता है क्लियरेंस एंगल, एंड टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा कटिंग एंगल। वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा कटिंग एंगल। एंड टॉप सरफेस और वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर रेखा के बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा रैक एंगल, वो होता है हमारा रैक एंगल। तो ये चीजें क्लियर है ना, यहां पे कोई डाउट तो नहीं है, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या मुझे कोई स्टूडेंट्स बता पाएगा वेज एंगल किसको बोला जाता है, यहां पर वेज एंगल किसको बोला जाएगा, किसके बारे में पूछ रहा हूं मैं, वेज एंगल कौन सा है, चीजल में वेज एंगल किसको बोला जाता है, यानी कि वेज एंगल के दूसरे नेम के बारे में बात करें तो दूसरा नेम क्या है वेज एंगल का, दूसरा नेम क्या होगा बताइए फटाफट से, राइट आंसर बताइए। क्या हम रैक एंगल को वेज एंगल बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल को वेज एंगल बोलते हैं, या फिर कटिंग एंगल को वेज एंगल बोलते हैं, किसको बोला जाता है वेज एंगल? बहुत बढ़िया राहुल कुशवाहा, पॉइंट एंगल को हम लोग वेज एंगल बोलते हैं। एग्जैक्टली जो हमारा पॉइंट एंगल होता है, कटिंग एंगल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज एंगल के नाम से भी जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेज एंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। और यहां पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज से ले लिया गया है, हालांकि यहां पर इसका कोई रोल नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। बिल्कुल, वेज एंगल इज आल्सो नाउ एज पॉइंट एंगल। क्या होगा, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी डाउन इन टू वायर विदाउट रैप्चर, यानी कि धातु के उस गुण का नाम बताना है जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, डक्टिलिटी, टेनासिटी, इलास्टिसिटी या मेलिएबिलिटी। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉ इन टू वायर विदाउट रैप्चर, यानी कि धातु के कौन से गुण का नाम बताना है जिसमें जिस गुण के कारण हम धातु को तार के रूप में खींच देते हैं बिना टूटे हुए। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो प्रॉपर्टी होती है हमारी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। आगे हम लोग जब इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे वहां पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए यहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अदर प्रॉपर्टीज को। अब यहां पर चलते हैं, क्योंकि हमारा मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एवं हीट ट्रीटमेंट दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के एग्जाम में, 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलिए वहां से पूछे जाएंगे, और बाकी ये सभी टॉपिक से आप लोगों के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आप लोगों के साइंस एवं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से, और ज्यादा चांसेस है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से वो ज्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकता है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वह अस्मिता मैम आप लोगों को कवर कराएंगी, तो उस बात से निश्चिंत रहिएगा, वो क्लासेस जल्दी वहां पर आप लोगों की स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 32 नंबर का क्या बोल रहा है, 32 नंबर का समझिएगा, 32 नंबर का क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिंबल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 मिलीमीटर पिच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि थिंबल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर गाइस, क्या राइट आंसर यहां पे निकल के आएगा 32 नंबर का, क्या 0.01 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, या फिर 1 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर, क्या राइट आंसर 32 का निकल के आ रहा है 0.01 मिलीमीटर। इसको हम लोग माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता है कि थिंबल के एक डिवीजन की वैल्यू पूछा है, राइट, थिंबल में कितने डिवीजन में बांटा जाता है, सर्कुलर स्केल को 50 डिवीजन में बांटा जाता है। तो हमको क्या पता है, 50 डिवीजन की वैल्यू तो पता है सर, 50 डिवीजन की वैल्यू जो है वह 0.5 मिलीमीटर है। कैसे पता है 0.5 मिलीमीटर है, क्योंकि यहां पर जो स्पिंडल में थ्रेड कटी हुई है वो हमारी 0.5 मिलीमीटर की थ्रेड कटी हुई है, और सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। और थ्रेड का प्रिंसिपल क्या होता है सर, थ्रेड का प्रिंसिपल होता है कि जब हम
नट को स्थिर रखकर बोल्ट को एक चक्कर घुमाते हैं या बोल्ट को स्थिर रखकर नट को एक चक्कर घुमाते हैं वहां पर वो अपने लीड के बराबर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो यहां पर क्या होगा, हमको पता है कि 50 डिवीजन में थिंबल डिवीजन हमारे कितने होते हैं, थिंबल की सर्कुलर स्केल को 50 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है। तो 50 डिवीजन की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है, तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, 0.5 अपॉन 50 हो जाएगी। तो यहां से क्या लिस्ट काउंट निकल के आ जाता है, 0.01 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, ये सब में तो दिक्कत हो गई नहीं आपको। अब देखिए यहां पर समझिएगा, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन ही आएंगे आप लोगों के, ज्यादातर रीडिंग वीडिंग के क्वेश्चन दे सकता है क्योंकि वो क्लियरली सिलेबस में मेंशन कर रहा है कि आप लोगों को ये पढ़ना आना चाहिए, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, वो सबको क्लियर मेंशन किया है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां से क्वेश्चन को इंक्लूड करें, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस टाइप के क्वेश्चन को एटलीस्ट हम देख ले। हो सकता है वो इन्हीं सबसे क्वेश्चन को रिपीट करके दे दे, हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन दे दे, तो हम लोगों को तो पढ़ना आना चाहिए ना भैया, कहीं से भी दे, हमको उससे क्या मतलब है। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे बहुत अच्छे तरीके से आप देख सको रीडिंग, जिससे कि आसानी से आप लोग बता सको। अब बताइएगा यहां पे इसकी रीडिंग क्या होगी, यहां पे इसकी रीडिंग क्या होगी। आप लोगों के सामने वर्नियर कैलिपर है, इसकी रीडिंग आप लोगों को बताना है कि रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी, फटाफट से बताइए क्या रीडिंग होगी भैया इसकी। 33 नंबर की रीडिंग क्या निकल के आ रही है, 33 नंबर की। देखो समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि आप लोग इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है यह बताइएगा। इस वर्नियर कैलिपर में आप लोग फिगर देख पा रहे हो, इस फिगर को देखकर आप लोगों को सबसे पहले कहां माइंड जाना चाहिए, सबसे पहला जो दिमाग जाना चाहिए, ना कि रीडिंग पर जाना चाहिए, सबसे पहले यह दिमाग जाना चाहिए कि इसका लिस्ट काउंट क्या निकल के आएगा, इसका अल्पतमांक क्या निकल के आएगा। तो क्या होगा भैया इसका अल्पतमांक क्या होगा, आप लोगों का अल्पतमांक क्या होगा इसका, सर अल्पतमांक होगा 0.0/50 मिलीमीटर। तो यहां से मेरा लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर निकल आएगा। यदि यहां पर वर्नियर स्केल में यहां पर 1, 2, 3 यहां पर 9, 20 तक होता, यहां पर क्या होता 20 तक होता, जैसे यहां पे कैसे दिया है 25, 30, 35, 40, 45, 50 दिया है, यहां पर 5, 10 और 20 तक होता ओनली, जब लिस्ट काउंट क्या होता 0.05 होता सर, तो पूरी रीडिंग ही बदल जाती, पूरी रीडिंग ही बदल जाती। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं उसके लिस्ट काउंट को हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसका लिस्ट काउंट क्या है। तो यदि हम डायल वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं तो उसके डायल पर उसका लिस्ट काउंट लिखा होगा, या हम लोग कोई अदर इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं वहां पर लिस्ट काउंट लिखा होगा, यदि हम वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं तो उसके वर्नियर स्केल को देखकर हम लोग उसके लिस्ट काउंट का पता लगाएंगे। समझ रहे हो ना ये चीजों को। अब हम लोगों को लिस्ट काउंट तो पता चल गया, अब हम लोग कहां देखेंगे, मेन स्केल देखेंगे। तो मेन स्केल क्या है, यहां पर 35 वाली जो लाइन है, 35 वाली, क्योंकि यहां पर 3 है और 3 के बाद में ये 5 नंबर की बड़ी लाइन, यानी कि यहां पर क्या हो गया 35 मिलीमीटर हमारा ये हो गया। अब कौन सा वर्नियर डिवीजन मैच कर रहा है, 20 वाला। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है, 0.02 मिलीमीटर, तो 20 की क्या हो जाएगी 0.4 मिलीमीटर। तो मेन स्केल डिवीजन 35 है, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.4 है, दोनों को एड करेंगे 35.40 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। क्या होगा 35.40 मिलीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो ये मैं डिटेल्स में बता दिया हूं जिससे कि दिक्कत ना हो भाई जिनको नहीं पता। अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। आप लोगों को वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग बताना है, यहां पे क्या रीडिंग है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की, फटाफट से बताइए क्या रीडिंग होगी भाई यहां पर वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, बताइए क्या रीडिंग होगी यहां पर, सोच समझ के बताइएगा क्या रीडिंग यहां पे निकल के आएगी आप लोगों की। यहां पे 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए,
फटाफट से बताइए 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सेम प्रोसेस है, उसमें क्या है, पहले लिस्ट काउंट आप लोगों को पता ही है, मेन स्केल डिवीजन देखो, वर्नियर स्केल डिवीजन देखो, वर्नियर स्केल डिवीजन में मल्टीप्लाई कर दो। और करना क्या है, हम लोगों को करना क्या है भाई, वही चीजें तो करनी है। क्या होगा 34 नंबर का क्या निकल के आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, दीपा रानी यहां पे 34 के बी की ओर जा रही है, टेक एंड स्टडी बी ऑप्शन की ओर जाए, अनूप शाह बी ऑप्शन, एंड बहुत बढ़िया 41.50 मिलीमीटर आंसर निकल के आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कैसे निकल के आ रहा है। तो देखो यहां पे ये हमारा 40 वाली लाइन है और फर्स्ट लाइन हम लोगों की मैच कर रही है, यानी कि 41 मिलीमीटर मेन स्केल डिवीजन हो जाता है। उसके बाद में क्या देखना है हम लोगों को, वर्नियर स्केल देखना है। तो यहां पर आप लोगों को वर्नियर स्केल दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 10 नंबर वाली जो लाइन है, 10 नंबर वाली जो लाइन है वो हमारी मैच कर रही है। कौन से नंबर वाली लाइन? 10 नंबर वाली लाइन मैच कर रही है। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है? सर इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। तो 10 नंबर वाली लाइन मैच कर रही है तो क्या होगा, 10 × 5 मिनट, तो कितना हो गया, 50 मिनट हो गया सर। तो हमारा कितना हो गया, सॉरी मिलीमीटर नहीं है, हम वो रीड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत? ओफो बफरिंग, चलिए अभी तो बफरिंग नहीं हो रहा है ना, अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है गाइस, थोड़ा सा कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, आई थिंक अभी नहीं होना चाहिए इशू। फटाफट से एक बार बता दो, कोई इशू तो नहीं आ रहा है? चलिए समझ गए ना, यहां पे समझ में आ गई। ओके, एक्सीलेंट कनेक्शन लिखा आ गया है, अभी मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला भाई, क्यों ये दिक्कत आ रहा है पता नहीं। चलिए अभी नहीं होगा दिक्कत, अभी नहीं होगा, अभी सारा कुछ ओके। क्यों फ्लक्चुएट किया अभी, वैसे जनरली करता नहीं है बट अभी फ्लक्चुएट तो किया है। चलिए एक बार और बता देता हूं, सारी चीजों को एक बार और बता देता हूं। यहां पर क्या है, आप लोगों को मेन स्केल देखना है, तो मेन स्केल में हम क्या देख पा रहे हैं, 40 ये हो गया बड़ी वाली लाइन और उसके सामने हमारा एरो लगा हुआ है। तो किस लाइन पर एरो लगा हुआ है? 41 लाइन पर एरो लगा हुआ है। हमको पता है एक लाइन की वैल्यू क्या है, 1 डिग्री है, तो 41 लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 41 डिग्री हो जाएगी। अब हम आते हैं वर्नियर स्केल में, वर्नियर स्केल में यदि हम लोग देखेंगे तो ये हो गई हमारी 0, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये जो लाइन है जहां पर एरो लगा है वह कौन सी लाइन पर लगा है, 10 नंबर वाली लाइन पर एरो लगा है। तो हमको पता है लिस्ट काउंट क्या होता है, 5 मिनट होता है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया 50 मिनट हो गया, और हमारी कितनी डिग्री है, 41 डिग्री 50 मिनट। क्या रीडिंग निकल के आ रही है, 41 डिग्री 50 मिनट, है ना। चलिए भाई क्लास को करते हैं खत्म, पता नहीं क्या ही इशू आ रहा है। सभी लोग लाइक कर दीजिए क्लास को, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर देना। देखो अभी हमारे पास में, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं क्या कुछ चीजें और बची हैं। यहां पे यदि हम लोग देखें, जो हमारी बेसिक फिटिंग से रिलेटेड है, इसमें लगभग 130 क्वेश्चन होंगे टोटल, तो ये हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, लगभग हमारे 4 से 5 क्लास, फिर भी मैं भी 4 से 5 दिन लग जाए। उसके बाद में हम डायरेक्टली जंप करेंगे साइंस के ऊपर। हम कहां जंप कर रहे होंगे, साइंस के ऊपर जंप कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ में 3 से 4 दिन लगेंगे, मैंने मैम से कंसल्ट किया, देन वो बोल रही है सर अभी उनकी क्लासेस चल रही है इलेक्ट्रिशियन वालों की, तो 3 से 4 दिन बाद वो आप लोगों की बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे, उनकी इलेक्ट्रिशियन वालों की क्लास बंद हो जाएगी, वो पर्टिकुलर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास लेंगे, क्लियर है। तो जो टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग क्लास लेंगे, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी आप लोगों की खत्म हो गई,
जो आप लोगों के टेक्निकल टॉपिक है वो भी खत्म हो गए और साइंस के टॉपिक भी मैं आप लोगों को खत्म करा दूंगा। तो ये आप लोगों का जो 60 क्वेश्चन वाला पार्ट है ना वो टोटल कवर हो जाएगा। अब रही बात हिंदी वगैरह की, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस अपलोड कर सकूं। हालांकि मैं हिंदी में इतना ज्यादा, मेरा भी सब्जेक्ट वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं आप लोगों को बेहतर करा पाऊं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा स्टडी करके कि आप लोगों को ट्राई करूंगा कि अच्छा करा पाऊं। मैं टेक्निकल का टीचर हूं लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा, है ना, यदि टाइम रहा तो। बाकी उसको आप इजीली कवर कर सकते हो। अभी क्या आ रहा है सर, एमपी की धरती से नमस्कार। ट्रेनिंग ऑफिसर का देखो आने वाला है, अभी उसका रूल बुक आएगा पहले। बिल्कुल 250 लाइक कर दो सभी लोग, 250 लाइक का कंप्लीट कर दो। यहां पे अनूप साहब बोल रहे हैं 250 लाइक कर दो भाई सभी लोग। चले, थैंक यू सो मच सभी को जुड़ने के लिए। और फटाफट से बताइएगा, क्लासेस में मजा आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग, कुछ सीखने को मिल रहा है, कनेक्ट करके हम लोग एंजॉय के साथ में तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कनेक्ट हो रहे हो, मैं भी अपना फुल एफर्ट लगा रहा हूं, तो इसी प्रकार हम लोग करते रहेंगे। तो आशा करता हूं रिजल्ट भी अच्छा आएगा, नंबर ऑफ पोस्ट भी हमारे पास काफी अच्छी है, तो सारी चीजें हमारे फेवर में है, तो क्यों ना मेहनत करी जाए साथ मिलकर, है ना। एनएफएल का भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है तो उसका मैं पर्टिकुलर वीडियो लेकर आता हूं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल मजा, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। ओके, कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग, है ना।